हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नल राइटिंग के बारे में कि आखिर ये जर्नल राइटिंग क्या होती है, जर्नल फॉलो हमें कब तक करना चाहिए, किस टाइम पे हमें इसको करना चाहिए और इसको करते टाइम, जर्नल को फॉलो करते टाइम ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जर्नल राइटिंग होती क्या है। तो जर्नल राइटिंग बेसिकली एक ऐसी राइटिंग होती है जहां पर हम अपने थॉट्स लिखते हैं, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ। अफर्मेशंस क्या होती है इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, सो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, सो दैट यू विल गेट टू नो कि आखिर ये अफर्मेशंस क्या होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ कि अफर्मेशंस क्या होती है, तो अफर्मेशंस बेसिकली कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना देती है और हम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देती है। ऑलराइट, तो ये होती है अफर्मेशंस। नाउ बैक टू द जर्नल, कि जर्नल में हमें अफर्मेशंस लिखनी होती हैं, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। आप जर्नल को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आप किसी पेपर पे लिख सकते हैं, आप किसी नोटबुक पे लिख सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर डायरी भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको क्या फेवरेबल लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम नहीं चाहते कि हमारी कोई विश पढ़े, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आप पेपर पर लिखकर उस विश को या उस पेपर को आपने लिखा और उसको आप डिस्पोज कर सकते हो, आप फ्लश कर सकते हो, आप उसको जला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जर्नल राइटिंग का सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो सिर्फ यही है कि आपको अपने विशेज़ को फिजिकली फिजिकली उसको एक्टिव करना है, ताकि आप उसको जब फिजिकली कोई चीज करते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत इजीली चला जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम स्कूल में थे तो हमको बार बार जब हम कोई भी गलती करते थे तो टीचर्स हमें क्या बोलती थी कि आपको ये बार बार लिखना है, सो दैट हम वो गलती दोबारा ना दोहराएं। तो जर्नल राइटिंग में जब हम बार बार कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है और जो हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो जल्दी से इजी हो जाती है मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में, टाइम कम लगता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा ये है कि इसको लिखना कब है। तो डायरी आपकी है, जर्नल आपका है, विशेज आपकी है। जब आपको हैप्पी फील हो, जब आप हायर सेल्फ में हो, हायर सेल्फ का जानने का सिर्फ इजी तरीका यही है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वहाँ पर आपके ना कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं हैप्पीनेस वाले। तो जहाँ जब आप उसको वो लिखने लगते हो, जब आप उसको फिजिकल एनर्जी देते हो, तो वो एक्टिव और ज़्यादा हो जाते हैं और 100% आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने लग जाते हैं। तो हायर सेल्फ में आप जब अपने हाई सेल्फ में होते हैं तो आप अपनी फिजिकल एनर्जी देकर उनको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आपको कोई टाइम ही बनाना है, तो सुबह लिख सकते हैं, शाम को लिख सकते हैं, रात को सोने से पहले लिख सकते हैं, आपका जब मन करे आप तब जर्नल को लिख सकते हैं। इसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है या कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इस टाइम पीरियड में लिखोगे तभी आपकी विशेज पूरी होंगी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट जस्ट कि आप कब कंफर्टेबल हैं, आप कब अपने जर्नल के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको लिखने के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं वैसे ही इसके बेनिफिट्स बता चुकी हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन होती है उसको ये और क्लोज ले आता है आपके, और साथ में आपको ये हैप्पी फील करवाता है, आपको पॉजिटिविटी देता है पूरे दिन भर में कि यस, वो जो भी आपकी विश थी वो आपके पास है। ठीक है, और दूसरा अब बात करते हैं कि इसको लिखना ही है क्या, हम इसको टाइप नहीं कर सकते, फ़ोन में नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे लिखें,
क्योंकि लिखने का, जैसे मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि स्कूल में हमसे लिखवाया जाता था और हमेशा हमको यही कहा जाता था कि आप लिख लिख के याद करो, तो उसका सिर्फ मेन पर्पस यही था कि जो चीजें हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक जाएं और वो हम उसको एक्टिवली कोई भी चीज, कहीं से भी क्वेश्चन आए हम उसको कर सके, क्योंकि हमारे माइंड को पता है। ठीक है, तो ऐसे ही जर्नल के टाइम जब हम लिखते हैं तो हमको फिजिकल एनर्जी उसको देना जरूरी होता है। ऐसी बहुत सारी नोटबुक्स बुक्स हैं और यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं कि आप फोन में टाइप कर सकते हैं, बट फोन में आप उतना ज्यादा ना फील नहीं कर पाते, आप उतना ज्यादा अपनी विशेस को फील नहीं कर पाते और ना ही आप उतना ज्यादा उन सब जर्नल को लिखते टाइम आप कनेक्टेड हो पाते हैं। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी ट्राई किया था कि चलो फ़ोन में करते हैं, बट फ़ोन में वो नहीं होता, क्योंकि जब हम फ़ोन में टाइप करने लगते हैं ना तो किसी का मैसेज आ रहा है, फेसबुक की नोटिफिकेशन आ रही है, इंस्टाग्राम किसी का मैसेज आ रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब भी आपको जर्नल लिखना है तो मेक श्योर कि आप और आपका जर्नल ही हो और कोई ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, शांति हो, सब कुछ हो, सो दैट आप अपने अपने गोल्स को, अपने विशेस को, अपने जर्नल को मी टाइम दे सकें। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। लास्ट में एक और चीज़ मैं बोलूँगी आपको कि यस, आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके के स्केच पेन से लिख सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ करिए, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर ब्लैक पेन, क्योंकि ब्लैक पेन जो है नेगेटिविटी को शो करता है। और अगर आपका फेवरेट कलर है तो आप यू कैन गो फॉर इट, अगर आपका बिल्कुल ही इच्छा नहीं है कि किसी और से आप लिखो, आप उससे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है तो आप लिख सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू राइट विद यू नो बाय ब्लैक पेन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी को शो करता है, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड। आप ब्लैक की जगह रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्लू, बहुत सारे कलर्स हैं। आप अपने जर्नल को, अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी पिक्चर्स चिपका सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप सब पूछेंगे कि जर्नल हमें लिखना कब तक है, तो जर्नल जी आपको लिखना है पूरी लाइफ टाइम, ये आपकी पूरी लाइफ टाइम का प्रोसेस है। क्योंकि हमारी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी विशेस कब खत्म होंगी, तो आपके पास सिर्फ एक ही आंसर होगा, जब तक लाइफ है कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना। तो ऐसे ही आपको जर्नल तब तक लिखना है जब तक आप हैं, आपको ये लाइफ टाइम प्रोसेस है जर्नल लिखने का। हाँ, आप बीच में स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है या बहुत ज्यादा बिजी हैं किसी चीजों में, कि कुछ चीज़ों में, तो आप जर्नल को क्या कर सकते हो, एक हफ्ते के लिए स्किप कर दिया, या जिस दिन आप बहुत बिजी हो आपने उस दिन स्किप कर दिया, लेकिन आपको ये अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। अगर आप मिस करते हो तो इट्स ओके, आप अफर्मेशंस दे सकते हैं उस दिन, ग्रैटिट्यूड शो करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आप अफर्मेशंस के साथ जर्नल में उन अफर्मेशंस को फिजिकल एनर्जी देते हो तो एक ना फोर्स लग रहा होता है, फोकस के साथ कर रहे हो, कॉन्शियसली, जब आप अनकॉन्शियसली सोच रहे होते हो तो आपके थॉट्स इतने एक्टिव नहीं होते हैं, बट जब आप किसी थॉट को कॉन्शियसली सोच रहे होते हो तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम जर्नल लिखते हैं तो एक तो हमारा फोकस होता है, प्लस हमारी फिजिकल एनर्जी होती है, एंड देन हमारा कॉन्शियसली उसके ऊपर एक फोकस रहता है, तो जब तीनों चीज़ें मिल जाती है ना तो वो पावर पैक बन जाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप जर्नल लिख रहे हैं तो फ़ोन को अवॉइड करें, ब्लैक पेन को अवॉइड करें, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, और अफर्मेशंस लिखें। आई होप आपको मैं बहुत कुछ क्लियर कर पाई होंगी जर्नल राइटिंग के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप किसी टेक्निक में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, विशेस पूरी करने की कोशिश कर रहे हो बट कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो बात है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखनी है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड मेरे फेसबुक पेज पे। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।